यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। मैं हूँ पूजा दास, सोल्जर वाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। इसे मैंने बनाया है आटे से, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। घर की चीजों से बड़े आसानी से हम इसे बना सकते हैं। कितना सॉफ्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। चलते हैं इस रेसिपी को आगे देख लेते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। ऑन कर दिया है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी और मैंने लिया है 1 कटोरी आटा, ये चक्की आटा है और वजन में देखें तो 200 ग्राम है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। इसे मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया है, लो टू मीडियम रखते हुए इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। लो टू मीडियम रखते हुए ही इस आटे को हम अच्छे से भूनेंगे और चलाते ही रहेंगे। जो आटे में गुठलियां बनना शुरू हो जा रही हैं, इसे हम फोड़ लेंगे। इसे चलाते रहेंगे। इस आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक इसकी महक सारी दूर ना हो जाए। 5 मिनट हो चुका है मुझे लो टू मीडियम रखे हुए और इसे अच्छे से भूनते हुए। 7 मिनट हो चुका है, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसे गैस से उतार लूंगी। मैंने रखा है कढ़ाई और मैंने लिया है चीनी, ये 250 ग्राम चीनी है। जिस कप से मैंने चीनी लिया है उसी कप से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। चीनी और पानी को हम चला लेंगे। मैंने लिया है फिल्टर वाली चीनी, तो इसे मुझे साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर फिल्टर चीनी ना हो, थोड़ा सा दूध डाल के, नींबू डाल के आप इसे बिल्कुल क्लियर साफ कर सकते हैं। हमने कुछ डाले हैं केसर के धागे जो इसका कलर अच्छा आ सके। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर कूट के। 4 मैंने इलायची के पाउडर बना लिया था, उसके दाने हैं ये। काफी अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। हमें चिपचिपी हुई चाशनी बनानी है, एक तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इतने ही पतले फॉर्म में हमें चाहिए। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ढक के दूंगी, आगे की तैयारी करेंगे। आटा जो मैंने भूना था वो ठंडा हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर। मैंने लिया है दूध, 1/2 कप मैंने दूध लिया है और इसे मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है। सबसे पहले आटे की जो भी गुठलियां हैं उसे अच्छी तरीके से फोड़ लूंगी मैं। हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूंगी। हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है। ज्यादा टाइट हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे तो अंदर गुलाब जामुन में गुठलियां पड़ जाएंगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं दूध ऐड करूंगी। इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है दूध को। रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है, हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए। आटे की तरह हमें इसे नहीं गूंथना है, हल्के हल्के हाथों से इसे हमें गूंथ लेना है। बिल्कुल लाइट हाथ से मैंने इसे गूंथ लिया है। जो मैंने दूध इस्तेमाल किया है वो फुल मिल्क दूध है,
और हाफ कप से दूध कम ही लगा है। हाथ में लगाएंगे रिफाइंड ऑयल इस तरीके से दोनों हाथ में। अब यहाँ से छोटे छोटे मैं लोइयाँ ले लूँगी। हाथ में लगाएंगे रिफाइंड ऑयल इस तरीके से। इतने बड़े बड़े बॉल मैंने कट कर लिए हैं। इसे हथेली की सहायता से अच्छे से इसे सॉफ्ट हाथों से इसे राउंड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से गुनगुना दूध डालने से ये आटा काफी अच्छे से फूल चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ही इसे हम राउंड करेंगे। टाइट हाथ से इसे राउंड करेंगे तो बीच में याद रखिएगा गुठली जरूर बढ़ जाएगी, तो इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से राउंड करना है। इसी तरीके से सारे बॉल मैं बना लेती हूँ राउंड करके। सारे बॉल मैंने बना लिया है गुलाब जामुन का। आटा जब हम इसे भूनते हैं तो ठंडा हो जाना चाहिए और गर्म दूध गुनगुना हाथ में लगने लायक हो, तभी इस आटे को हम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हाथों से मैश करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसके बॉल हम तैयार। मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें रिफाइंड ऑयल मैंने डाल लिया है, बिल्कुल लो रखेंगे और सारे बॉल मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर लूंगी। गैस की फ्लेम को हमें तेज नहीं रखना है, बिल्कुल लाइट रखना है और इसे गैस को बिल्कुल मैंने लो रखा है। बीच बीच में हम इसे हल्का हल्का सा हिला दिया करेंगे। जो चक्की आटा मैंने इस्तेमाल किया है ये काफी बारीक होता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसे हमें अच्छे से सुनहरा ब्राउन करना है, तभी अच्छे से ये फूल सकेगा। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे तो ये अच्छे से फूल नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने लो रखा है। आप इसे गोल्डन भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे और रेडनेस करूंगी। इतना ब्राउन करके मैं निकाल ले रही हूँ। चाशनी हमारी थोड़ी सी गर्म और थोड़ी सी हल्की सी ठंडी है, अब इसी में मैं ऐड कर लूंगी। इसे मैं ढक दूंगी, दूसरा भाग मैं डाल लेती हूँ। दूसरा भी भाग हो रहा है। दूसरा भी भाग अच्छे से मैं इसे गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। दूसरा भी भाग तैयार हो चुका है, जिस कलर में मुझे चाहिए ये हो चुका है। अब मैं इसे चाशनी में डाल दूंगी। सारे गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरीके से डुबा देंगे। सारा गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से जो डूबा नहीं है उसे डुबा देंगे। 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे इसी के साथ छोड़ देंगे। इसे मैं ढक दूंगी। चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया है, अब मैं एक प्लेट में निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरी का बुरादा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसी लगी मेरी रेसिपी? प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।